दोस्तों, रावण की बहन सूर्पंखा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। सूर्पंखा के बारे में कहा जाता है कि रावण के मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई थी और उसने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद भी उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद को सूर्पंखा का अवतार होने का दावा किया है। इस महिला का नाम गंगा सुदर्शनी है। उसका दावा है कि उसके पास दिव्य शक्ति है, जिससे होने वाले भविष्य में घटनाओं का पूर्वाभास उसे हो जाता है। गंगा सुदर्शनी का जन्म कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित गांव महियांगना में हुआ था। कहा जाता है कि गंगा सुदर्शनी के नाक पर चोट का निशान कटे हुए कान जैसे रामायण में थे। यहाँ लोगों का प्रतिदिन दरबार लगता है और लोगों को इलाज भी होता है। लोगों को कहना है कि गंगा के पास आज भी वही प्राचीन दिव्य शक्तियाँ हैं। वह लोगों की बीमारियाँ भी हाथ लगाते ही सही भी कर देती है। वह लोगों के सामने बारिश करा देती है और बारिश रुकवा भी देती है। गंगा खुद को रावण की बहन सूर्पंखा का अवतार मानती है और इसके पास एक से एक बड़ी हस्ती आशीर्वाद लेने गंगा के पास पहुंचते हैं। रावण की बहन सूर्पंखा को दर्जा देते हैं। गंगा ने केवल अपने यह तपोबल से प्राप्त की हुई शक्तियों का उपयोग करती है और जिससे लोगों को काफ़ी मात्रा में फायदा होता है। उल्लेखनीय है कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी से पहले गंगा ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह हैं जो रावण के बहन होने का दावा करता है। यही सब देखकर लोग रावण की बहन गंगा को कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।